नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जयपुर के दुर्गापुरा में हूँ और ये ऊपर ब्रिज जो है ये टोंक रोड है और सामने यदि हम आगे जाएंगे तो जेएलएन मार्ग आ जाता है। इधर टोंक है और इधर सिटी है। तो आज इस वीडियो में बैटरी वाली गाड़ी से हम लोग नारायण सिंह सर्किल तक जाने वाले हैं यहाँ दुर्गापुरा इस फ्लाईओवर से। आइए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखें। और ये बैटरी वाली गाड़ी भाई की डायमंड की गाड़ी है ये बैटरी वाली, जो हमें यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ हमें जाना है। और हमें जाना है आज नारायण सिंह सर्किल, यहाँ दुर्गापुरा फ्लाईओवर से ये 30 रुपये में हमें वहाँ तक छोड़ेगा भाई। शेयरिंग का ये बैटरी वाला गाड़ी है। यहाँ से आपको 20-20 में थोड़ी मिलेगा, हाँ ये तो है ही। अभी भाई को 3 सवारियाँ मिली लेकिन बोलते हैं 20 में जाएंगे यहाँ से, और भाई ने 30 रुपये बोल दिया, तो 30 रुपये एक वाजिब है। फिर भी बोलते हैं 20-20 में जाएंगे, तो ऐसा ही है, सवारी है, अपनी मर्जी है, वो जितना बोल सकते हैं। नहीं जाना नहीं जाएंगे, क्या बात, लेकिन हमें तो जाना है, हम तो भाई के साथ बैठे हैं। और ये आ गया जयपुर हॉस्पिटल, ये यहाँ जयपुर हॉस्पिटल। गोपालपुरा बाईपास आने वाला है आगे, और ये अभी भाई के साथ आगे हैं, ये सीधा जाएगा जयपुर रेलवे स्टेशन तक रास्ता टोंक रोड। ये यूट्यूब के लिए है भैया, भैया पूछ रहे हैं कहाँ डालोगे, यूट्यूब पे डाल देंगे इसको, तो यूट्यूब पे डालना पड़ेगा ना, क्या करें। क्या नाम आपका? भगत सिंह। वाह जी, एक तो शहीद भगत सिंह थे हमारे, वो देश की सेवा, हम पब्लिक की, ये भाई बराबर, हाँ ये बहुत बड़ी बात बोली है भाई ने, वो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे, हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। और ये भगत सिंह अभी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं इस बैटरी वाली गाड़ी से, देखो ये स्पीड से गाड़ी चल रही है, पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं ये भगत सिंह जी। कहाँ से हैं भगत सिंह जी? सवाई माधोपुर के हैं और यहाँ रहते हैं जयपुर में। ये अपना ले रखा क्या किराए का? खुद का चला रहे? खुद का है। कब से चला रहे हो गया? साल भर फिर ये एक साल हो गया। हाँ फिर ये अच्छा हो गया अपना, इसका किस्त सब पूरा हो गया? सब पूरा कर दिया। कितने पूरा कर दिया है? 1.5 लाख रुपए का पड़ा। डेट का आया था एक साल पहले? 15 किस्तें थी इसकी, 1000 रुपये महीने ज़्यादा देने पड़ते थे। अच्छा ब्याज के? कितना किस्त था महीने का? 15 किस्त बंधी थी। 15,000 महीने का? 7,400 रुपये किस्त थी इसकी 15 महीने की। 15 महीने कितना? 7,400। हाँ कितना? 41,000 रुपये मैंने जमा कराए थे। 7,400, 7,400 जमा करते थे किस्त का? हाँ, और 41,000 रुपये मैंने नगद कराए थे। 41,000 डाउन पेमेंट दे दिया था भाई साहब ने, भगत सिंह जी ने, तो ये फ्री कर दिया हमने। 15 महीने पूरा हो गया। कितना घंटा चलाते हैं आप भैया? 13 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 12-13 घंटा चलते रहते हैं। 13 घंटा, 14 घंटा आराम से, 14 घंटे भी चलते हैं। कहाँ रहते? कहाँ? ट्रांसपोर्ट नगर से कहीं भी चले जाते हो? बिल्कुल, पूरा जयपुर घुमा हुआ मेरा। जयपुर घूमते रहते हो? गली जानता हूँ मैं। हाँ, काफ़ी समय हो गया मेरे को यहाँ, 20 साल हो गया। अच्छा, 12-13 घंटे में कितना दिहाड़ी हो जाता है, कितना कमाई? अपन को तो अपनी दिहाड़ी से मतलब है।
कितना कमा? 1000 रोज। 1000 रोज का चाहिए चाहिए, खर्चा निकाल के? खर्चा निकाल उतना कमा ही लेते हो? कमाने हर आदमी नहीं कमा पाता, जो जानकार है ना धंधे का वही कमा पाता। हाँ ये तो है ही, खैर हर आदमी की नहीं कसती बात, जानकार नहीं है धंधा करना नहीं आता तो कैसे कमाएगा? कैसे बोलना है, कैसे इससे पैसे निकालने लेने, हाँ ये इतने दे देगा। हाँ अच्छा ये भी एक बात है, ये भी कला है, तभी तो पैसा आएगा। कस्टमर को समझना जरूरी है बिल्कुल, ये कितना पैसा कितना दे सकता है, दे सकता है उतने में चले जाओगे अपन को, फिर उसमें अपना भी पड़ता आना चाहिए। हाँ कहाँ आ जाएगा, मैं किलोमीटर देख लेता हूँ अपने यहाँ। हाँ हो जाएगा उस हिसाब से चले जाते, चले जाते। तो 1000 रुपया हो गया तो घर चले जाते हो या फिर 12-13 घंटा चलाना ही है? चलाना ही है, ड्यूटी तो पूरी पूरी करनी है, तो फिर उसमें ज़्यादा हो जाएगा? तो ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा भी हो जाता है तो कभी कभी हो जाता होगा, क्रॉस हो जाता होगा कभी? कितना? 2000 तक? 2000 ही चला जाता? 2000 हाँ, कभी 1300, कभी 1200, 1300, 1400, 1500 तक, 1600। अभी ईद पे जरूर हुए थे 2000, ईद पे 2000 हो जाते। अभी मैंने 3 दिन में कमाया 5000 हो गए, 3 दिन में 5000 हो गए, तो मतलब वो 1500-1700 रुपये रोज के खर्चा निकालने के बाद। अच्छा 300 रुपये तो खर्चा ही मान लो रोज का। किस चीज़ का चार्जिंग का कितना लगता है इसका? उसका 200 रुपये चले जाते चार्ज के, स्मार्ट बैटरी डिलीवरी 140 है, 70-200 मेरा खर्चा, 300 जाते हैं, 300 रोज के चले जाते हैं। 100 में क्या करते हो, खर्चा क्या करते हो? खाना वाना? खाना वाना अपने जूस पी लिया। हाँ हाँ जो भी है, पानी जूस खाना कुछ ना कुछ खर्चा हो ही जाता है, हो ही जाता है, चाय वगैरह खाना वाना। तो वो करने के बाद में जो बच गया वो आपका है? बच गया वो अपना ही रहता है, बस अपन नहीं करते। 1000 तो आपको करना ही करना है, करना ही करना है। ये तो 6 बजे हैं अभी, मैं रात को 11 बजे तक चलाऊंगा। अच्छा रात तक चलते हो? अब जाऊंगा बैटरी बदला लूंगा, दूसरी डाल लूंगा। अच्छा रात को 11 बजे तक चलेगी, फिर मैं उसको दे जाऊंगा, फिर नई बैटरी लेकर उसमें रख जाऊंगा। अच्छा जब सुबह आऊंगा ना मैं, फिर 8 बजे आऊँ, 9 बजे आऊँ, 10 बजे आऊँ, तो भरोसा। तो वो चार्ज करके आपको मिल जाएगी दूसरी? वो मिलती मेरे को एंड टू एंड। अच्छा मैं पहले रात में लगा जाता हूँ स्मार्ट बैटरी। तो ये कितना कितना पैसा लेते हैं वो लोग चार्ज के? 140 रुपये लेते हैं एक बार में दो बैटरी का, और फिर दूसरी लोगे तो 70 रुपये उसी दिन, दूसरे को 70। अच्छा उसी दिन तुमने अगर दूसरी बैटरी ले ली, हाँ, और एक दिन में एक दिन एक बार लोगे तो उतना ही लगेगा, अगले दिन फिर 140 फिर दोबारा? हाँ वो तो नॉर्मल, आपको 300 दिन लेनी पड़ेगी। अच्छा हफ्ते में 4 छुट्टी मिलती है बैटरी के अंदर। हाँ अगर आप 4 ही कर सकते हो, 5 भी करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये नया एक्सपीरियंस आपने बता दिया मेरे को, और रोज चार्ज करना है अपनी इसमें नहीं, अभी जाते इसका कनेक्शन अलग से कराया है मैंने, 15000 रुपये दे। अच्छा इसका कनेक्शन करवा रखा है मैंने, स्मार्ट बैटरी का 15000 रुपये लगे थे। अच्छा अच्छा कंपनी करके देती है, इधर मीटर लगा देती है, मीटर उसी का ही बता रहा है ना, ये मीटर बता रहा है। हाँ ये क्या बता रहा है, 27 क्या है ना, अभी ये 30 पॉइंट, इसमें 27 पॉइंट बैटरी है अभी, अभी ये है ना 16 किलोमीटर आराम से चल सकती है 5 सवारी को लेके। अच्छा अच्छा उसके बाद है ना ये 3 किलोमीटर है ना अकेले को ले जाएगी, यानी 20 किलोमीटर तक की है चार्ज। अच्छा 30 किलोमीटर तक चलेगी? हाँ बाकी मैं इसको ले जाके खड़ी कर दूंगा तब के 5-7 किलोमीटर पहले। अच्छा दूसरी बैटरी ले लो? दूसरी बैटरी ले लूँगा, वो मुझे है ना 11 बजे तक खत्म करनी है। अच्छा ये रोज का रूटीन यही है? हाँ यही, फिर मेरे को कितने की भी सवारी मिलो मैं वो बिठाता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, किलोमीटर देखता रहता हूँ। अच्छा सुबह कितने शुरू करते हो? सुबह मेरी बच्चा, मेरा कोई भरोसा नहीं, 9-10। अच्छा वैसे कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब मर्जी चालू हो गए? बाकी आता हूँ मैं 8-9 बजे। 9 बजे आ जाते हो? करते हैं। हाँ। तो 9 से 11 बजे तक लगे रहते हो? लगा ही रहता हूँ। तो दिन में आराम करते हो? नहीं यार आराम करना है तो थकावट दिन बैठे बैठे चलना है, बैठे का काम है, थकावट हो तो आदमी लेटे, कोई धूप ऊप पड़ती है कहीं नहीं आया मैं, लगा लो घंटा आधा घंटे। और रात में 11 बजे जाके सो जाते हो? और फिर 9 बजे फिर चालू कर देते हो? ये काम तो आपने अच्छा पकड़ रखा है, एक रूटीन बना रखा है आपने, तो उसी हिसाब से चलते रहते हो। हाँ बहुत ही बढ़िया आपका ये काम अच्छा लगा, ये काम आपका अच्छा लगा,
आप एक रूटीन से काम कर रहे हो और भगत सिंह की सेवा कर रहे हैं समाज की, पब्लिक सेवा। नहीं ये भी आते बेचारे जिनके पैसे भी नहीं रहते। अच्छा ये गाया गया और बोला पाँच ये रुपये। अच्छा 5 रुपये में छोड़ देते हो आप? पता आपके दाम में लड़के को छोड़ना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है ही नहीं। हाँ हाँ अब क्या करेगा। हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। हाँ सेवा का ही भाव है तो फिर पैसे का क्या करना है। अब यदि दिन भर में 10 आएंगे तो 10 से थोड़ी मोट बच्ची करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, दूसरा आएगा दूसरा नहीं तीसरा। हाँ तो कोई ना कोई तो मिल जाता ही होगा। हाँ जी बैठो सर, बैठो बैठो, ये खाली हो गया। रोड पे ही है वो तो। हाँ गेट। हाँ 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 भैया 10-10 रुपये 10-10 रुपये में छोड़ देते हो? बिल्कुल। नारायण सिंह सर्किल है जो ही लेना पड़ेगा। हाँ ये ज़्यादा बेकार है। नहीं नहीं ज़्यादा तो ज़्यादा देते भी नहीं है लोग, ज़्यादा लेके मतलब की भावनाओं को जो ठेस पहुँचाए। हाँ नहीं आपका जो भाव जो है ना वो आपने बोला नहीं, ये आपके मन से निकल रहा है ना कि सेवा के सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का भाव है। सेवा के साथ साथ आपको भी मेवा मिल जाता है। अरे भाई मालिक ने इतना तो किया कर रखा है ना कि भाई भैया अपन अपने दया भावना दूसरे को दिखा तो सकते दिखा सकते हैं। हर आदमी के नसीब में क्या बताओ। नहीं है नहीं वाह जी दिन में दो आदमी आते हैं। अरे कोई बात नहीं जाए, कोई बात नहीं याद करेगा फिर, और क्या चाहिए। दया भावना दिखाना जरूरी है। इतना बढ़ा दिया मालिक ने और क्या चाहिए। सही बात, हर इंसान को थोड़ी बनाता भगवान ने, हर इंसान को ये इस लायक नहीं बनाता है। नहीं बनाता। सही बात है। ये कौन सी दरगाह है हजरत? ये गट्टे वाले बाबा, टोंक फाटक गट्टे वाले बाबा, टोंक फाटक गट्टे वाले बाबा दरगाह है। इधर सामने सूरज है थोड़ा सा, तो रिकॉर्डिंग में फर्क दिख रहा है। अभी सही है वो रिकॉर्ड हो गया था, आपका बंद हो गया था। सही है भी सही चल रहा है। ये गट्टे वाले बाबा टोंक फाटक वाले चले गए और हम लोग आगे निकल आए। अभी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, नीचे रेलवे लाइन है और ऊपर से ये ब्रिज है। इस ब्रिज को क्या बोलेंगे? टोंक फाटक, टोंक फाटक वाला ब्रिज। बरकत नगर है, बरकत नगर इधर, बरकत नगर आईटीआई का एमआईटी की लड़की है, बरकत नगर सर्च बाजार बरकत नगर है इधर। इधर MIT ITI के जितने बच्चे हैं ना उनकी किताबों का मार्केट है। ओके बरकत नगर में हर किताब मिल जाएगी स्टूडेंट की, बच्चों की जो पढ़ाई की। जयपुर की यहाँ पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी। यहाँ मिल जाएगी। ये लो जी नई बात आपको बता दी भगत सिंह जी ने, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई किताब चाहिए तो यहाँ बरकत नगर आ जाइए। बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ मिल जाएगी, तो अपनी किताब यहाँ से लेके चले जाइए और पढ़ाई आगे शुरू कर दीजिए। और ये नीचे अभी टोंक फाटक आ गया, गेट सिग्नल आ गया, कभी यहाँ फाटक हुआ करता था पुराने टाइम का नाम। हाँ ब्रिज के, हाँ जो ब्रिज है वहाँ फाटक था तो उसे टोंक फाटक बोलते थे। रेलवे के ऊपर से जो फाटक था तो उसके बाद वहाँ ब्रिज बना दिया तो वो टोंक फाटक ब्रिज हो गया। अंदर है लेकिन फाटक, फाटक अंदर है अभी भी, ये तो बाहर का है। हाँ और ये इस एरिया को भी टोंक फाटक ही बोलते हैं। फाटक बाहर के लिए रोड बना दिया ना भैया। ये सिविल लाइन जयपुर रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको लेफ्ट में निकलना है, विद्याधर नगर है, सेंट्रल बस स्टैंड है तो लेफ्ट है, सीधा रामनिवास गार्डन, और राइट में जाएंगे तो गांधी नगर को आप जा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए सीट खाली है, सवारी ले लो। अरे वो तो ले लो ये जाएगा। बैठ नारायण सर्किल बाबा।
एक एक करके बिठाते रहते हो? चलते बिल्कुल एक एक, ज्यादा नहीं चलते रहते हो? वो तो एक साथ कोई पांच सात मिल जाते हैं ना, हाँ भाई एक ही है तो उनको बिठा लेता हूँ, उनको बिठा लेता हूँ। ये तो मैं सात सात बिठा के लेके गया। ऐसा क्या, आगे आगे दो बैठ जाते हैं? बिल्कुल बिठा लेता हूँ, एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर। आप थोड़ा आगे खींच जाते हो? आगे किधर, बॉडी रहता हूँ, बढ़ने देता नहीं पता नहीं। अच्छा ऐसा क्या, क्या करते हो उसके लिए वजन नहीं बढ़े? योगा, योगा करते हो? कितना सुबह सुबह करते हो? तो यहाँ क्या बन रहा है, क्या कर दिया? ये तो काम है ना, काम चल रहा है। लाल गोटी सब्जी मंडी थी, हाँ तो हटा दिया क्यों उसको? नहीं नहीं नाला बन रहा है। अच्छा नीचे से अंडरपास नाला बना रहे हैं। ये नेहरू गार्डन आ गया इधर, हाँ इधर नेहरू गार्डन है, भाई हमें बता रहे हैं साथ साथ में, और ये यहाँ काम चल रहा है। लक्ष्मी मंदिर अंडरपास यहाँ बन रहा है, और ये नेहरू गार्डन। और ये हमारा टोंक रोड जिस पे हम चल रहे हैं भाई के साथ बातें करते हुए। इन बातों में आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर आइडिया हुआ होगा कि कैसे हम जो बातें कर रहे हैं उसमें से आपके कोई काम की चीज़ है क्या। और ये इधर पुलिस मुख्यालय इधर है, इधर पुलिस मुख्यालय है अंदर गली में, अंदर की रोड पे। और ये टोंक रोड हमारा है ही, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ये, यहाँ पर जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ये पशु चिकित्सालय यहाँ इस साइड में। और ये राजस्थान महिला आयोग है इधर, और एक और सिग्नल आ गया अभी, गांधीनगर सर्किल बोलते हैं, गांधीनगर सर्किल इसको बोलते हैं भाई, बता रहे हैं हमें भाई, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आज बातें करके भी और बताते हुए, गाइड का भी काम करें हमारे साथ में। पैसा वही 30 रुपया ये लेंगे, लेकिन गाइड का काम भी करें हमारे साथ, बताने में जानकारी देने में अच्छा रहता है। हाँ जानकारी आपके पास जो है वो दे देनी चाहिए तो किसी जीवन का में मनुष्य के पास एक जानकारी तो होती है, बाकी कुछ ही नहीं होता उसके पास, सब छूट जाता है उसका। ये मेरा ज्ञान आपके पास है, आप किसी और को देते हो जानकारी, ज्ञान आगे चलता रहता है। बिल्कुल ज्ञान लेते रहना चाहिए और उसको बांटते रहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। भगत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोल दी, बातों बातों में ही, ये ज्ञान लेते रहना चाहिए और आगे बांटते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए, तभी जीवन का उद्धार होगा, तभी उद्धार होगा। ये देखो ये इधर आएगा, ये भाई इधर आएगा, गाड़ी वाला ऑडी वाला, ऑडी है, ऑडी नहीं मर्चडी है, CLA 200D, ये मर्चडी है। और ये हमारी टोंक रोड है, और ये हमारा ऑटो बैटरी वाली गाड़ी, बिना पोल्यूशन के चलने वाली गाड़ी, बिल्कुल ये बहुत तो खत्म हो गया, ये बात तो है, हाँ हाँ इससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, हाँ पोल्यूशन कम हो गया, जयपुर का पोल्यूशन कम हो गया, क्योंकि ये बैटरी वाली गाड़ी बहुत सारी चलने लगी। और ये सामने हमारे राइट साइड में बड़ा सा एक बिल्डिंग, कलरफुल ज्वेलर का दुकान, ज्वेलर की दुकान मोती एंड सन्स, बड़ा ब्रांड जयपुर का, बड़ा ब्रांड है, और बिल्डिंग एक यूनिक बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, रात में बड़ी जोरदार चमक, रात में लाइट वगैरह में अच्छी चमक आती है, ये भगत सिंह जी भी बता रहे हैं इस बात को, ये मोती सन्स ज्वेलर। अच्छा आपने खिंचाई है क्या फोटो लेके आ जाते हैं, जब फोटो के शौकीन आप फिर फेसबुक पे डाल देते हैं। अच्छा फेसबुक पे अपडेट करते हैं, आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, भगत सिंह जी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और ये नगर निगम ग्रेटर जयपुर का ऑफिस, नगर निगम का जयपुर का सबसे बड़ा,
जयपुर का सबसे बड़ा, यही होते हैं सारे काम, सारे काम जयपुर के यहाँ होते हैं, नगर निगम में पटा पटा लेना देना लेना देना सब यही चलते हैं, किसका क्या बनवाना है कितना क्या हो गया सब यही आते हैं, सब यही आते हैं। ये आ गया यहाँ का स्टेडियम, और ये आगे स्टेडियम आ रहा है नगर निगम के बिल्कुल बाद मैच होगा 27 को, फिर मैच हो रहा है राजस्थान का यहाँ पर, राजस्थान और चेन्नई का, ये देखो चेन्नई भी आ रही है यहाँ पे CSK, ये देखो ये लग गए यहाँ पे, ये सवाई मान सिंह स्टेडियम, ये सवाई मान सिंह स्टेडियम और गोरी उसकी मूर्ति, और ये अर्जुन और उसका तीर, नहीं ये अर्जुन नहीं है ना, ये स्टेडियम ये अंदर है ना अंदर, ये अर्जुन की मूर्ति और ये सामने स्टेडियम 27 तारीख को यहाँ राजस्थान का, और बच्चे आए अभी अंदर गए घूमने, चेन्नई का मैच होने वाला है, हम भी आएंगे देखने के लिए, हमारा भी टिकट मिल जाएगा, ऐसा क्या बिल्कुल। तो ये तो भाई तो सुपर उस्तम निकल रहे हैं, सब बातें अपनी बता रहे हैं, शौक भी है इनका क्रिकेट का, क्रिकेट राजस्थान आ रही है, राजस्थान को 27 तारीख को राजस्थान को सपोर्ट करने के लिए ये भी स्टेडियम में बैठेंगे, स्टेडियम में आराम से बैठेंगे, चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट करेंगे, पहले हार गए अभी तो जीतनी चाहिए, अभी के बाद जीतनी चाहिए, लास्ट बार हार गई थी, और ये नारायण सिंह सर्किल को जाता हूँ, टीम भी बढ़िया है, धोनी भी आ रहा है, कूल कैप्टन चेन्नई का, CSK का कैप्टन धोनी भी यहाँ आ रहा है, माइंडेड खिलाड़ी है, धोनी अभी संन्यास लेने वाला है, माइंडेड है लेकिन, हाँ हाँ इसके बाद में संन्यास ले लेगा, ये IPL जैसे ही ख़त्म होगा तो धोनी का संन्यास जो है वो उन्होंने प्लान कर दिया है कि ये बस आखिरी इसका होगा, और ये अभी हम आगे रामबाग सर्किल, ये रामबाग सर्किल आ गया सामने, सुबोध SS जैन सुबोध PG कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर से एफिलेट है ये, ये 15 किलोमीटर का इनके पास और पावर है अभी, ये क्या है 24 क्या है, वो प्लान बता रहा है ये जीतता हूँ ना इसको, हाँ कब हो जाता है कब ज्यादा होता रहता है, खड़ी कर देंगे जब सही बताएगा, अच्छा तो पावर ऊपर नीचे होता रहता है, चलता रहेगा तो पावर ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, 15 पे आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा, ऐसा क्या खड़ा करेंगे तो पता चलेगा, पता चल जाएगा कितना पावर है, तो बैटरी कहाँ से बदलाते हो, इसके स्टेशन है, अच्छा तो आपने तो कोई फिक्स कर रखा होगा ना, नहीं नहीं कहीं पे भी जहाँ खत्म हो वहीं बदला लो, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी से करवा सकते हो, किसी ने भी करा कार्ड है, हाँ अच्छा अच्छा तो जहाँ भी उनका है, हाँ जहाँ उनकी सर्विस स्टेशन है वहाँ चले जाओ, हाँ कार्ड बताओ बस बैटरी ले लो, हाँ तो धोनी के हैं सब, कार्ड से ही होगा आपका एंट्री हो जाएगा, अजमेरी गेट चांद बोल ले जाओगे क्यों, बहुत मारा मारी रास्ते की सवारी है मेरे पास है, मैंने इसको छोड़े रास्ते की सवारी है, छोड़ा रास्ता है, न्यू गेट की तरफ जाऊंगा, न्यू गेट से अंदर से फिर चल जाऊंगा चौपट, बड़ी चौपट तक जाओगे, फिर उधर आज एक सिंगर आया हुआ गाने के लिए हवा महल पे, अच्छा कौन, शाम को 7 बजे का प्रोग्राम है आज का वो भी देखोगे, वो भी देखूंगा, और बढ़िया बढ़िया एक नंबर की कचौरी मिलती है वहाँ, कहाँ पे, शर्मा जी कचौरी वो खाओगे, वहीं पे पकौड़ी मिलती है, वो अभी जाऊँगा वही खाऊंगा और देखूंगा कितनी देर में आएगा, सिंगर कौन आ रहा है, आ रहा है कोई बढ़िया वहाँ पे उसके लिए स्टेज सजा दिया, अच्छा अच्छा तो वो देखोगे आप, वो भी देखूंगा, प्लान फिक्स रखते हैं पहले से, बिल्कुल परफॉर्मेंस देखूंगा उसकी, अच्छा अच्छा जितने भी सिंगर आते हैं मैं सबको प्रोग्राम देखता हूँ यहाँ पे, अच्छा पहले वो यहाँ आओ चाहे अर्बट हॉल में आओ, सिंगर का आप लाइक करते हैं सिंगर को, बिल्कुल वही वो आ रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ तक इस भाई के साथ बातें करते हुए पहुंच गए हैं, ये नारायण सिंह सर्किल है, सामने आपको बसें दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ से लंबे रूट की बसें यहाँ से मिल जाती हैं आपको दिल्ली के लिए, आगरा के लिए और चंडीगढ़ वगैरह, या आगे दूर दूर तक की बसें यहाँ आपको मिलती हैं, तो इस वीडियो को यहीं रखेंगे, और ये कैसा लगा हमारा ये पूरा बातचीत और ये वीडियो अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत।